सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर मन्नू गेमिंग। तो भाई कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसमें भाई हम लोग बात करने वाले आप लोगों के दिसंबर इलाइट पास के बारे में। यानी कि भाई मैं आप लोगों को दिसंबर के इलाइट पास का फुल रिव्यू करके बताने वाला हूँ, और साथ ही आज मैं आप लोगों को दिसंबर के इलाइट पास का ट्रेलर और प्री ऑर्डर भी दिखाने वाला हूँ। तो यार आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि भाई जब मैंने आप लोगों को OB30 के अपडेट से पहले दिसंबर का इलाइट पास बताया था, तो यार उसके लिए कुछ ही अपडेट्स निकल कर आई थी और भाई मैं आप लोगों को कुछ रिवार्ड दिखा पाया था। और भाई जो भी बंदे मेरी वीडियो रेगुलर देखते आ रहे हैं यार, उनको तो पता ही होगा जो भी मैं आप लोगों को इलाइट पास बताता हूँ आप लोगों को हमेशा देखने को मिलता ही है। तो भाई ये वाला इलाइट पास भी आप लोगों को जरूर से देखने को मिल जाएगा, इसलिए यार वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखते रहना। एंड गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि भाई अगर आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इलाइट पास के अलावा फ्री फायर से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी अपडेट्स की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। यार बिना कोई टाइम वेस्ट के मैं आप लोगों को इलाइट पास का फुल रिव्यू करके बताता हूँ। तो भाई जैसे कि आप लोग यहाँ पे अपने दिसंबर के इलाइट पास का ट्रेलर तो देख ही सकते हो, यानी कि भाई यहाँ पे आप लोगों के मेल और फीमेल के बंडल अपनी ऑडियंस को भाई कार्ड वाले मैजिक दिखा रहे हैं। और भाई जो हमारा मेल वाला कैरेक्टर होता है अपनी ऑडियंस में से किसी एक बंदे को बुलाता है कि भाई हमारे पास आओ हम आपको जादू दिखाएंगे, और भाई उसे अपने कार्ड के अंदर से परांग और प्लाज्मा वाली गन दे के उसी कार्ड के अंदर कैद कर देता है। यानी कि भाई हमारा पूरा का पूरा इलाइट पास पोकर थीम पर बनाया गया है। इसके बारे में आप लोगों को काफी टाइम पहले ही बता दिया था, यानी कि भाई जब हमारा OB29 का अपडेट ही आया हुआ था, तो भाई काफी अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा आप लोगों को ट्रेलर देखने को मिल जाता है। इसके बाद गाइस आप लोग देख ही सकते हो आप लोगों को एक ग्रेनाइट की स्किन देखने को मिल जाती है जो कि कुछ इस तरह की होने वाली है। फिर गाइस आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में एक इलाइट पास का अवतार देखने को मिल जाता है, और भाई अगर आप लोग इलाइट पास लेते हो तो भाई आप लोगों को इसके बाद इलाइट पास का भी एक अवतार देखने को मिल जाता है। इसके बाद गाइस जैसे आप लोग 15 बैजेस कंप्लीट होते हैं तो भाई आप लोगों को एक फीमेल की जैकेट हर इलाइट पास की तरह देखने को मिल जाती है। तो यार कुछ ज्यादा खास नहीं दी गई, सिंपल सी आप लोगों को एक जैकेट दी गई है। फिर गाइस आप लोगों को 30 बैजेस पे अपने इलाइट पास का बैनर देखने को मिल जाता है जो कि भाई पोकर थीम पर बनाया गया है। इसके बाद गाइस जैसे आप लोग 40 बैजेस कंप्लीट करते हैं तो भाई आप लोगों को हर इलाइट पास की तरह एक मेल की जैकेट देखने को मिल जाती है जो कि यार कितनी ज्यादा ओपी दी गई है। तो भाई आप लोगों को ये वाली मेल की जैकेट बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिलने वाली है, अगर आप लोग इलाइट पास नहीं लोगे तो भाई आप लोगों को ये वाली मिल जाएगी। फिर गाइस जैसे आप लोग इलाइट पास के 50 बैजेस कंप्लीट होते हैं तो भाई आप लोगों को एक फीमेल का बंडल देखने को मिल जाता है जो कि भाई आप लोगों को हर इलाइट पास में भी देखने को मिलता है। तो भाई आप लोग अपना फीमेल का बंडल भी देख सकते हो, मैं आप लोगों को इसके अलग अलग पार्ट करके भी दिखा रहा हूँ। मेरी बात करूँ तो भाई मेरे को फीमेल का बंडल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मतलब यार ऐसा लग रहा है कि भाई फीमेल वाले बंडल को सर्दी लग गई और भाई उसे रजाई उड़ा दी है। और भाई साथ ही मैं आप लोगों को हरी लाइट पास की तरह इसी लाइट पास में भी ईओगंज के टोकन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों के जैसे ही 80 बजे कम्प्लीट होते हैं तो भाई आप लोगों को एक परांग की स्किन देखने को मिल जाती है जो की कुछ इस तरह की होने वाली है। तो भाई आप लोगों की परांग की स्किन भी बिल्कुल ही नॉर्मल सी देखने को मिल जाती है, मतलब यार इसमें एनिमेशन एड कर दिया जाता तो और भी ज्यादा बढ़िया हो सकती थी। इसके बाद गाइस जैसे आप लोगों के 100 बैजेस कंप्लीट होते हैं तो भाई आप लोगों को एक फीमेल की टी शर्ट बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही गाइस आप लोगों को इलाइट पास के अंदर एक सर्फबोर्ड की स्किन देखने को मिल जाती है जो कि भाई आप लोग देख ही सकते हो। तो भाई आप लोगों की सर्फबोर्ड की स्किन भी काफी ज्यादा ओपी दी गई है। इसके बाद गाइस जैसे आप लोगों के 115 बैजेस कंप्लीट होते हैं तो भाई आप लोगों को अपने इलाइट पास में इलाइट पास का बैनर देखने को मिल जाता है। तो भाई बैनर भी काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, मतलब यार गोल्डन कलर में दिया गया है तो यार काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद गाइस जैसे आप लोगों के 125 बैजेस कंप्लीट होते हैं तो भाई आप लोगों को एक प्लाज्मा गन की स्किन देखने को मिल जाती है जिसमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होने वाले, मतलब यार अगर आप लोगों के पास प्लाज्मा गन की कोई भी स्किन नहीं है तो भाई आप लोग इस वाली गन का स्किन का यूज कर सकते हो। फिर गाइस आप लोगों को 135 बैजेस पे एलाइट पास का एक और अवतार देखने को मिल जाता है। इसके बाद गाइस जैसे आप लोगों के 150 बैजेस कंप्लीट होते हैं तो भाई आप लोगों को एक लूट बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि यार काफी ज्यादा ओपी लूट बॉक्स दिया गया है, मतलब भाई इसके अंदर से हमारे पोकर वाले कार्ड उड़ रहे हैं तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ गाइस आप लोगों को एलाइट पास का एक और बैनर देखने को मिल जाता है जो कि भाई आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है। यानी भाई अगर आप लोग इलाइट पास भी नहीं लेते हो तो आप लोगों को ये वाला बैनर बिल्कुल ही फ्री में क्लेम करने को मिल जाएगा। इसके बाद गाइस आप लोगों को 180 बैजेस कंप्लीट होने पर एक बैकपैक की स्किन देखने को मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा ओपी दी गई है। तो भाई आप लोग अपने बैकपैक की स्किन भी देख ही सकते हो, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तीनों ही लेवल की मैं आप लोगों को स्किन दिखा रहा हूँ जो कि हर लेवल पे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन भाई आप लोगों के लेवल 3 के बैकपैक की बात ही अलग होती है, तो भाई आप लोगों का लेवल 3 का बैग भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद गाइस आप लोगों के जैसे ही 200 बैजेस कंप्लीट होते हैं तो भाई आप लोगों को एक इमोट देखने को मिल जाता है जो कि यार बिल्कुल ही सिंपल सा दिया गया है। भाई मेरे को तो इमोट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, तो भाई आप लोगों को ये वाला इमोट कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। साथ में ये भी बताना कि भाई आप लोगों को इस वाले इलाइट पास में सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगी। इसके बाद गाइस फाइनली आप लोगों के जैसे ही 225 बैजेस कंप्लीट होते हैं तो भाई आप लोगों को मेल का बंडल क्लेम करने को मिल जाएगा। आप लोग अपना मेल का बंडल भी देख ही सकते हो, मैं आप लोगों को इसके अलग अलग पार्ट करके भी दिखा रहा हूँ। इसी के साथ गाइस आप लोग अपने एक्स्ट्रा रिवार्ड्स भी देख ही सकते हो जो कि भाई आप लोगों को हरी
साइड पास में देखने को मिलते हैं। मतलब यार आप लोगों को अलग अलग कलर में हेयर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें आप लोगों के दिसंबर इलाइट पास के प्री ऑर्डर के बारे में, तो भाई जैसे आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, आप लोग अपने दिसंबर के इलाइट पास में एक मॉन्स्टर ट्रक की स्किन देखने को मिलने वाली, जो कि काफी ज्यादा ओपी स्किन दी गई है। तो भाई अगर आप लोग भी इलाइट पास का प्री ऑर्डर करते हो तो भाई आप लोग इस वाले इलाइट पास का प्री ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि भाई मॉन्स्टर ट्रक की स्किन काफी ज्यादा ओपी दी गई है। बाकी यार मैं तो प्री ऑर्डर नहीं करता। तो भाई आप लोगों का दिसंबर का इलाइट पास कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला, जो भाई मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा दिखा दिया है। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए फ्री फायर से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट की वीडियो लेकर आऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी और भाई आप लोग कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा न्यूज एंड अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।